यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, टू क्वेश्चन रिलेटेड है, क्वेश्चन सिंपल है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, समझिए क्या है। इन अ स्कूल ऑल द थ्री सॉरी इन अ स्कूल ऑल द स्टूडेंट प्ले एटलीस्ट वन ऑफ थ्री इनडोर गेम, मतलब एटलीस्ट वन गेम खेल रहे हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट्री कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। कौन कौन से गेम है सुनिएगा जरा, एक है चेस, एक है कैरम, ठीक है, और एक है टेबल टेनिस, राइट। अब क्या बोला सुनिए, 60 प्ले चेस 50 प्ले टेबल टेनिस एंड 48 प्ले कैरम। फिर बोला 12 प्ले चेस एंड कैरम, चेस एंड कैरम वाले जो हैं वो हैं 12, 15 प्ले कैरम एंड टेबल टेनिस, ठीक है, एंड 20 प्ले टेबल टेनिस एंड चेस। अब आप सिर्फ दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरह से करेंगे बताता हूं मैं, रुकना भी। नंबर वन है व्हाट कैन बी मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल, पहला, और दूसरा है व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, एक सिंगल फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। फॉर्मूला समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप मत लिखिएगा अदरवाइज आपका टाइम यहां पे किल होगा। प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए ये आपको ऐसा दिया हुआ है क्योंकि एटलीस्ट वन गेम खेलना है, तो इसका मतलब ये हो गया एन ए मतलब हो गया 60 प्लस 48 प्लस 50 माइनस ऑफ 12 माइनस 15 माइनस 20 प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, राइट। इसको ऐड करेंगे तो 110 प्लस 40 150 158 माइनस ऑफ 47 प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और इसको इससे माइनस कर दीजिए तो 111 प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पर आने के बाद अब आपको क्वेश्चन को समझना है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बाद में करते तो ज़्यादा अच्छा है। अब देखिए इसमें बोला गया है व्हाट कैन बी मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बोला एक, तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट में अगर ये मान लीजिए मैक्सिमम होगा तो प्लस है, क्योंकि अगर ये प्लस है तो ये मैक्सिमम होगा तो मिलेगा, और इसलिए, और फिर दूसरे बोला व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल, तो मिनिमम नंबर बोला है तो इसका अगर मैं जीरो ले लूं तो मिल जाएगा, तो कितना आया 111, तो इस केस में 111 व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट में ये मैक्सिमम मिल जाए तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम कॉमन ही हो सकता है, तो मैक्सिमम 12 हो सकता है क्योंकि 12 से ज्यादा नहीं हो सकते क्योंकि 2 वाले 12 है, तो 111 प्लस 12 दिस इज 123, ये इसका राइट अप्रोच था, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए मिनिमम में ये जीरो होना चाहिए, मैक्सिमम में मैक्सिमम 12 हो सकता है, उस ढंग से आपने इजीली बता दिया इस क्वेश्चन को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्या क्वेश्चन है समझते हैं। फ्रॉम 6 प्रोग्रामर ओके एंड 4 टाइपिस्ट दिए हुए, एन ऑफिस वॉन्ट टू रिक्रूट 5 पीपल, इसमें से 5 ले रहे हो आप, ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वे दिस कैन बी डन सो दैट द रिक्रूट एटलीस्ट वन टाइपिस्ट चाहिए, मतलब कम से कम एक टाइपिस्ट तो होना ही चाहिए, तो एक टाइपिस्ट होना चाहिए, तो एक तरीका ये हो सकता है इसका कि 4C1 तो इसमें से 4 ले लीजिए प्लस 4C2 तो इसमें से 3 ले लीजिए, 4C3 तो इसमें से 2 ले लीजिए प्लस 4C4 तो इसमें से 1 ले लीजिए। अब 4C1 4 4 C2 4C6 4 6C4 होता है 6C2 के, तो 6 5 upon 2 यानी 15 प्लस 4C2 6 into 20 4 into 15 प्लस 1 into 6। देखिए कितने स्पीड में कर सकते हैं, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है, ये 60 plus 6 246 इज अ राइट आंसर। एटलीस्ट वन टाइपिस्ट बोला है, कम से कम एक टाइपिस्ट तो होना ही चाहिए, राइट, क्लियर है बात, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है समझते हैं अच्छे से और क्लियर करिएगा आपकी क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द सम ऑफ
p plus qth term and p minus qth term of an AP is equal to. कितना अच्छा क्वेश्चन है. The sum of p plus qth term and p minus qth term of an AP is equal to. अब इसको थोड़ा सा हम लॉजिक से करेंगे, जल्दी समझ में आएगा. मान लीजिए ये इसका ऑप्शन दिया, जैसे 2pth term, फिर दिया b 2qth term, c दिया है twice the pth term और d दिया है twice द क्यू थीटा. अब इसको हम वैल्यू लेके कर लें तो जल्दी हो जाएगा. वैल्यू लेके मतलब कोई भी एक सीरीज बना ले, लाइक 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 लाइक दिस. अब लॉजिकली समझना, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म, ऐसे चलते जाएंगे. अब दो टर्म की बात कर रहे हैं, वो पी प्लस क्यूथ टर्म और पी माइनस क्यूथ टर्म, इसका सम के बारे में. p माइनस क्यू करा तो p को जैसे मान लो कि मैं इसको बोल दूं pth टर्म यानी p की वैल्यू 4, और सपोज इसको बोल दूं qth टर्म यानी q की वैल्यू 2. तो लॉजिक ये कहता है द सम ऑफ p प्लस क्यू, p प्लस क्यू कितना 6 टर्म, एंड p माइनस क्यू, p माइनस क्यू यानी सेकेंड टर्म, इसका सम किसके इक्वल होगा. तो 6 टर्म क्या है यहां पर 12, सेकेंड टर्म क्या है 4, ये 12 प्लस 4 कितना हो गया 16. अब ये 16 किसके इक्वल होगा, तो लॉजिकली देखें तो इसका ट्वाइस हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा ट्वाइस ऑफ पीएथ टर्म. क्या आंसर होगा? ट्वाइस ऑफ पीएथ टर्म. राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए क्या है, इफ इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन ग्रेटर देन 1, then which of the following is correct. सीधा सीधा formula, determinant of minus a पूछा है किसके इक्वल होगा. तो देखिए माइनस कितने बार आएगा, पावर ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है. तो सीधा सीधा माइनस वन की पावर एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस सीधा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है. अच्छा, इसके बाद भी जो टू क्वेश्चन लिंक है वो भी प्रॉपर्टी बेस्ड है. क्या है, ए एंड बी, सुनिए, ए एंड बी 3×3 मैट्राइसेस, मतलब ए बी 3×3 का मैट्राइसेस है जिसका डिटर्मिनेंट आपको दिया है 4, और ऐसे बी भी 3×3 का मैट्राइसेज है जिसका डिटर्मिनेंट आपको दिया है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी दिया है 3. अब क्वेश्चन इसमें फर्स्ट सुनिए क्या है. फर्स्ट है व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ 2ab. अब आपको पता है डिटर्मिनेंट में सारी रो में मल्टीप्लाई होता है. अब अगर 2 का मैं सारी रो में मल्टीप्लाई करूँ या बी में, तो ऑर्डर 3 है. तो 2 का क्यूब, a का डिटर्मिनेंट 4 है, b का डिटर्मिनेंट 3 है, तो 8×12 यानी 96, इसका आंसर होगा 96. फिर बोला है डिटर्मिनेंट ऑफ 3ab का इन्वर्स, ठीक है 3. अब फिर इसका, अब इसमें क्या होगा, 3 का ऑर्डर है तो 3 का क्यूब, a का डिटर्मिनेंट कितना है 4, और कभी भी इन्वर्स का डिटर्मिनेंट 1 अपॉन हो जाता है तो 1 अपॉन 3, तो ये बचा 3 इसका 9×4, देन 36 इज अ राइट आंसर. राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए क्या है, अ सर्कल इज ड्रॉन, सुनिएगा क्वेश्चन क्या है. अ सर्कल इज ड्रॉन ऑन अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एज डायमीटर द कॉर्ड लाई ऑन द लाइन. ओके, ये एक सर्कल है, इसकी एक कॉर्ड दी है जिसकी लाइन की इक्वेशन दी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, यानी आपको एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन बतानी जिसकी ये कॉर्ड है. बहुत ही सिंपल है, आप ऑप्शन से कर सकते हैं, ऑप्शन का सेंटर इसको सेटिस्फाई करेगा. अगर मैं ऑप्शन देखूं, इस तरह के ऑप्शन है कुछ, बी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू जीरो एक्स स्क्वायर, वैसे ये फैमिली ऑफ सर्कल से क्वेश्चन होता है सॉल्व. एंड डी इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए वाई माइनस टू ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो. अब देखिए एक सीधा सा लॉजिक है कि अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं इसका सेंटर अगर देखूं इस वाले का, तो a by 2 कॉमा a by 2 है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. राइट, देन दिस इज द राइट आंसर. अब आपके दिमाग में आ सकता है कि ये क्यों नहीं है, वो भी मैं बता देता हूं कि क्यों नहीं है. बाकी ये तो होंगे ही नहीं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. बाकी ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो सर्कल है, जो आपको गिवन सर्कल है, वो कुछ ऐसा होगा राइट कि इसके इसकी जो कॉर्ड है उससे पास हो रहा है. अगर मेथड से करोगे तो ऐसा लिखते हैं आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस ए इक्वल टू जीरो.
पर अगर आप देखें तो इसका मैं अगर रेडियस निकालूं तो ए स्क्वायर बाय फोर प्लस ए स्क्वायर बाय फोर माइनस ऑफ, अगर इसका देखूं तो इसका तो यही आएगा जीरो है, तो ये मिलेगा टू ए स्क्वायर बाय फोर यानी लॉजिकली ए बाय रूट टू, जो कि इससे कम हो गया क्योंकि इसका रेडियस है ए, इसका रूट टू। पर अगर मैं इससे करता तो मैं क्या लिखता, देखिए ए स्क्वायर बाय फोर प्लस ए स्क्वायर बाय फोर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, यानी लॉजिकली देखें तो ये ऐसा मिल जाता ए स्क्वायर बाय टू माइनस ए स्क्वायर। अब ये नेगेटिव तो होगा नहीं, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है। यानी आपको लॉजिक्स अगर क्लियर होंगे तो आप क्वेश्चन हमेशा सही करेंगे, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, देखिए क्या है। द पॉइंट 1.3 एंड 5.1 आर टू अपोजिट वर्टासेस ऑफ रेक्टेंगल, द अदर टू वर्टासेस लाई ऑन द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस c, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c। देखिए सबसे पहले समझिए, रेक्टेंगल है, अपोजिट वर्टेक्स है, मान लो ये 1.3 है, तो यहां नहीं होगा ना, यहां होगा, क्यों, क्योंकि सेम नहीं है, इसका मतलब यहां होगा 5.1 और एक वर्टेक्स इस पे लाए कर रहे हैं। कितना सिंपल क्वेश्चन है, इसका मिड पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। मिड पॉइंट क्या होगा, 5 + 1 6/2 3.2 रख दीजिए, 2 = 6 + c, देन c इक्वल टू माइनस ऑफ 4, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए क्या है। द स्ट्रेट लाइन x + y - 4 = 0, 3x + y - 4 = 0, x + 3y - 4 = 0 फॉर्म अ ट्राइंगल विच इज, ट्राइंगल पूछा है। अब इसको करने में सब कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं। जैसे ये एक लाइन दी है x + y - 4 = 0, एक लाइन ये दी है 3x + y - 4 = 0, एक दी है x + 3y - 4। अब सपोज आप वर्टेक्स निकाल के करेंगे तो टाइम बढ़ जाएगा, इससे अच्छा क्यों ना स्लोप निकाल लें। जैसे इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप है -1, इसका स्लोप क्या है -3, राइट। इसका स्लोप क्या है -1/3। सबसे पहले तो राइट एंगल नहीं है क्योंकि किसी का भी प्रोडक्ट -1 नहीं आ रहा, तो राइट एंगल मत निकालिएगा। अब क्या करेंगे, तो इन दो का बीच का एंगल निकालिए, tan थीटा इक्वल टू m1 - m2 upon 1 - m1 + m1 m2, तो 1 + 3, यानी ये आ गया 2/4 यानी 1/2। इन दोनों का निकालिए, देन अगेन इन दोनों का जब निकालेंगे तो tan थीटा देखिए क्या आएगा, -1/3 + 1 upon 1 - 1 + 1/3, यानी एक तरह से मिलेगा ये 2/3 upon 4/3, ये फिर कैंसिल 1/2। ये और दो एंगल सेम है, इसका मतलब हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। दो एंगल सेम है, अभी इसके बाद अब दो सेम हो गए तो ये आइसोसेलेस हो सकता, पर अगर तीसरा भी सेम हुआ तो इक्विलेटर होता, पर क्योंकि ये 60° नहीं आ रहा, इक्विलेटर के लिए √3 आना चाहिए था, √3 नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप इसका आंसर लगाइए आइसोसेलेस ट्राइंगल। तीसरे को चेक ही नहीं करना, बाकी कर सकते हो, पर लॉजिक समझ में आया। अगर ये 60-60 होता तो हम इक्विलेटर बोलते, यहां पर ऐसा नहीं है, तो करेक्ट आंसर हुआ आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन।